यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। झुग्गियों में आग लग गई है, ये बड़ी खबर नू से आपको दे रहे हैं, जहां पर झुग्गियों में भीषण आग लगी है और आग लगने का मामला यहां पर सामने आया है। और साथ ही आपको बता दें कि आग से 50 के लगभग झुग्गियां जलकर राख हो गई हैं। ये बड़ी खबर नू से आपको दे रहे हैं, जहां पर 50 झुग्गियां जल गई। भीषण गर्मी में शॉर्ट सर्किट के कारण यह हादसा हुआ। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके की भीषण आग लगी है। खबरें अभी तक एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। तो भीषण गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और भीषण गर्मी के प्रकोप से यहां पर शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट के कारण झुग्गियों में भीषण आग लग गई और करीब 50 झुग्गियां इस आग की चपेट में आ गई और धीरे धीरे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग थी। ज्यादा जानकारी लेंगे नूह से। कासिम खान हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। कासिम, काफी भीषण आग लगी है, कहीं ना कहीं गर्मी से जो शॉर्ट सर्किट हुआ है वो वजह बताया जा रहा है। आपके पास फिलहाल कुछ अपडेट है? सिनम, ये जो पूरा मामला है ये कल दोपहर बाद 3 बजे का है। उस समय पारा लगभग 47 डिग्री के आसपास था। घरों से लोग बाहर निकलना तक भीषण गर्मी की वजह से दोपहर हो रहा था, उसी समय शॉर्ट सर्किट हुआ है। और वर्मा से जो ये रोहिंग्या मुसलमान यहाँ कई सालों से आकर के शरण लिए हुए थे, उनकी तकरीबन 57 झुग्गियां पूरी तरह से राख हो गई। हर झुग्गी में लाखों रुपए का सामान था, तो कुल मिलाकर करोड़ों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। तकरीबन 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने इस आग पर 2 घंटे में काबू पाया है, लेकिन किसी के झुग्गी का सामान वो नहीं बचा पाए। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने पूरी रात यहाँ पर इन शरणार्थियों के लिए टेंट लगाने का काम किया है, ताकि आज इनको भीषण गर्मी से बचाया जा सके, इनको आशियाने मिल सके। कासिम, क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचा है? जी बिल्कुल, जैसे ही आग की सूचना मिली तो SHO, तहसीलदार, SDM, ये सब DSP सारे अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचे थे, लेकिन गर्मी इतनी तेज थी कि वो सिर्फ तमाशबीन बनकर के यहाँ देखते रहे। दमकल की 10 गाड़ियों ने आग को बुझाया और जो इनकी झुग्गियां बनी हुई थी वो बांस से बनी हुई थी, जिसमें काफी देर तक और भीषण आग लगती रही और जो लोग हैं वो गर्मी की वजह से आग के पास भी नहीं जाते। कासिम, जिस तरीके से आपने बताया कि कल 3 बजे की ये घटना है, तो अभी इस वक्त वो लोग कहाँ हैं और आग अब तक बुझ चुकी होगी, लेकिन लोगों को क्या कोई शरण मिली है? बिल्कुल, रात को ही जिला प्रशासन ने उनके लिए टेंट लगाने का काम शुरू कर दिया था। हालांकि पूर्ण रूप से उनको टेंट नहीं लगाए गए हैं, लेकिन उम्मीद है कि कुछ घंटे बाद उनको उन आशियाने मिल जाएंगे अस्थायी तौर पर। लेकिन जो उन्होंने पाई पाई जोड़ करके इस देश में आकर शरण ली थी और मजदूरी करके जो पैसा कमाया था और अपनी झुग्गियों में सामान जुटाया था, वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है और लोग उनकी आर्थिक मदद के लिए भी आगे आने लगे हैं। बसपा नेता जावेद अहमद ने कल ही वहां पहुंचकर 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद उनको दी थी। उसके अलावा और बहुत सारे लोग उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि जल्द ही उनका जो ये दुख भरी जो घड़ी उनके सामने आई है उससे उन्हें निजात मिले। कासिम, जिन लोगों की झुग्गियां इसमें जल गई है, अगर आपकी किसी से बात हो पाई हो तो क्या उनकी कोई मांग भी की जा रही है मुआवजे की सरकार से? बिल्कुल, उन्होंने साफ कहा है कि वो जो वर्मा देश से जब यहाँ आए थे तो उस समय हालात वहाँ बहुत बेकार थे और उनको भारत में रहना बहुत अच्छा लग रहा था और यहाँ रह करके वो बहुत खुश थे और उन्होंने अपना मजदूरी करके अपने घरों को यहाँ बसाया था और पूरे परिवार उनके यहाँ रह रहे थे। अगर यहाँ की सरकार उनका मदद करे तो वो जल्दी ही पटरी पर उनका जीवन लौट सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कासिम खान आपका तमाम जानकारी के लिए और तमाम अपडेट देने के लिए।